हेलो भाई लो, क्या हाल है? सभी क्या हाल? बढ़िया होंगे। अगर स्टोरी हैप्टिक चैनल के ऊपर नए हैं और आप लोगों की स्टोरी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है ना, तो उसके साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो हम लोग PFF से बिल्कुल अलग एक स्टोरी जरूर लाना चाहेंगे, ठीक है? आप लोग बता देना अपनी वॉइस में चाहिए या दूसरी वॉइस के अंदर चाहिए, वो भी हमने जरूर कर देंगे। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो जब भी आप लोग स्टोरी हैप्टिक चैनल के ऊपर आओ या फिर ना आओ तो भी कोई बात नहीं, दबा दिया करो, एक ही बात है। चलिए फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं एपिसोड को। जैसे यहाँ पर वह आकृति उन सभी के सामने आती है तो उसके साथ में वह सभी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वहां पर वह सभी है ना 6 संप्रदाय के प्रिंसिपल्स थे और वह बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। हालांकि अभी भी उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि जो चीज अभी उनके सामने खड़े थे, जो कोई भी उनके सामने था, वास्तव में उनके सामने वह बिल्कुल भी सम्मान दिखाए बिना नहीं रह सकते थे। हाँ, वास्तव में उसकी कुछ ऐसी ही छवि थी, क्योंकि वह इतर होल के एक संस्थापक थे और उनकी वो पावर थी वह कोई नॉर्मल नहीं थी। उनके चेहरे के ऊपर अभी भी एक तेज दिखता था जिसके बाद में कोई भी उन्हें ये नहीं बता सकता कि वास्तव में इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो गया होगा। हाँ, उम्र यहाँ पर सभी के लिए हो सकती है कि हाँ उम्र यहाँ पर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अभी जो कोई भी उनके सामने था उसकी जो एज थी उसको देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि एज उनके लिए यहाँ पर कोई मैटर करती है, क्योंकि उनकी एज ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर 30-40 वर्ष का कोई युवा उनके सामने खड़ा वड़ा हो। ऐसा कोई होगा जो यहाँ पर उनको जानता होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना एक नाम बनाकर रखा हुआ है। सभी वहाँ पर जल्दी से उनको ग्रीट करने लगते हैं। होल मास्टर शेख, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं। उन सभी को यहाँ पर वह सम्मान देते हुए उनके सामने ऐसे दृढ़ खड़े हुए थे जैसे अपने सामने किसी को देख लिया हो। बोलिए, आखिरकार आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? तो उसके साथ में ही वह लोग फिर से अपनी अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके साथ में ही उनमें से एक कहता है, बात कुछ ऐसी है कि हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो गया है, अजोर ब्रिज अभी फिर से खुलने वाला है और इसके अलावा हमें यहाँ पर उसके लिए कुछ और करना होगा, क्योंकि हर बार हम लोग उसके अंदर फेल होते जाते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि हमें इस बार के सारे रूल्स को चेंज करना होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दूसरी चीज अपनानी होगी। इसके अंदर बस अब आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप ही थे जो वहाँ पर गए थे, देवताओं से लड़े थे और आप ही यहाँ पर उस पूरे ईश्वरीय चीज को लेकर अपने साथ में आ गए थे। आपने उस ईश्वरीय चीज की एक पूरी के पूरे वर्ण को यहाँ पर हासिल कर लिया था, आपने उसको जीत लिया था। इसी वजह से यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर उसको कैसे ले सकते हैं। तो उसी की बात सुनने के साथ में जो होल मास्टर शेख थे वह कहते हैं, हाँ वैसे तुमने सही कहा है, आखिरकार यहाँ पर 100 सालों के अंदर ये एक चांस आता है और अजोर ब्रिज खुल जाता है, लेकिन 1000 साल हो गए हैं और 10 बार हम लोग इसके अंदर फेल हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाउड सोर्ड है वह यहाँ पर उसी ने एक बार उसका आधा चरित्र हासिल कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास में और दूसरा चारा नहीं बचा है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी अपना सर हिलाने लगते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो क्लाउड सोर्ड पवेलियन के प्रिंसिपल थे जिनका नाम गौतम है, उन्होंने कहा, लेकिन वो जैसे कहने लगते हैं कि अचानक से वो अपने पास में से एक टोकन बाहर निकाल लेते हैं। उस टोकन को देखते ही उनकी आंखें यहाँ पर खुले की खुले रह जाती है। तो वहीं दूसरे उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई गौतम, आखिरकार तुमने क्या देख लिया? क्या भाभी भाभी का मैसेज वजह से आ गया है? तो उसके साथ में गौतम कहता है, नहीं नहीं ये कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी मेरे एक एल्डर द्वारा बताया गया है कि अभी अभी यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट निखर कर बाहर आया है जिसने हमारे संस्थापक के तलवार सार को सीख लिया है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह इस बात को कहते हैं तो उसके साथ में सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या क्या कहा, संस्थापक के तलवार सार को? इसका मतलब ये है कि वही चरित्र तलवार सार जिसको देवताओं का यानी गॉड तलवार सार भी कहा जाता है। अचानक से सभी आंखें वहीं पर ही फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो तलवार सार यहाँ पर संस्थापक द्वारा पीछे छोड़ा गया था ना, वह कोई नॉर्मल तलवार सार नहीं था जिसको गोड तलवार सार भी कहा जाता है। ये गोड तलवार सार उसी चरित्र के साथ में आया हुआ था। वहीं यहाँ पर होल मास्टर शेख पूछते हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपने उसका पता वता लगाया? आपको क्या उसका नाम का पता चला है?
तो वहीं दूसरी तरफ एक गौतम कहता है, हाँ वास्तव में, लेकिन यहाँ पर उसके नाम का अभी तक पता नहीं चला है। मेरे जितने भी एल्डर्स और जितने भी टीचर्स हैं, वह सभी सभी इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ में होल मास्टर से कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। अब ऐसा लगता है कि हमें ये जो मीटिंग है ना, इसके लिए अब वेट करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को जाना है और उस स्टूडेंट को ढूंढ कर लेकर आना है जिसके पास में ऐसी प्रतिभा है, क्योंकि वही है जो अब हमें यहाँ पर आगे बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर फिर से वो अजूर ब्रिज खुलने वाला है और उसके साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो बाकी के प्रिंसिपल थे वो भी कहते हैं, हाँ हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। सहमति से सर लाने के बाद में यहाँ पर अब जो होल मास्टर सेक थे वो कहते हैं, चलिए ठीक है फिर आप लोगों से बाहर से मिलते हैं। तो उसके साथ में वो सभी सभी प्रिंसिपल वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो गौतम प्रिंसिपल थे वो भी वहाँ से निकलने वाले थे कि अचानक से होल मास्टर सेक उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, मानना पड़ेगा कि आपके क्लाउड पवेलियन के अंदर आखिरकार कोई कोई तो ऐसा आ ही गया है जिसके पास में ऐसी प्रतिभाएं हैं। हालांकि यहाँ पर अब वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर भाई गौतम से एक ही निर्णय लेना या एक ही काम करने को कहना चाहता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा पहचान टोकन है। इस पहचान टोकन को क्या आप मेरी तरफ से उसको दे सकते हैं? इसके साथ में यहाँ पर जो आपका वह स्टूडेंट है वह बड़े आराम से कोई सी भी चीज कर सकता है और किधर भी जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी सी भी चीज को वह इतर होल के अंदर खरीद भी सकता है। तो उसके साथ में उसकी बात सुनते ही यहाँ पर गौतम की आंखें चमकने लगती है, क्या आप वास्तव में ये देना चाहते हैं? वास्तव में आपके लिए इसका धन्यवाद कि आपने हमारे एक स्टूडेंट के लिए ऐसा सब कुछ किया। गौतम भी उस चीज को जानता था कि जो टोकन अभी भी उसको दिया जा रहा है वह कोई नॉर्मल टोकन नहीं था। उसके साथ में तो यहाँ पर उसका जो भी स्टूडेंट है ना, वह आराम से आज के समय के अंदर कुछ भी ले दे सकता था। भाई गौतम बड़े विनम्र हो रहे हैं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मेरा एकमात्र जो कारण था इतर होल को बनाने का, वह एकमात्र कारण ये था कि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू बनाने हैं और ताकतवर लड़ाकू बनाने के साथ में हम दुनिया को आगे चला सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यही मेरा एक छोटा मोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है। तो उसके साथ में गौतम कहता है, चलिए ठीक है होल मास्टर सेक, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मुझे अभी अपने संप्रदाय के अंदर बहुत से काम वाम है। तो इतना कहने के साथ में गौतम पीछे पलटता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो वहां से जाता है तो उसके साथ में होल मास्टर सेक अपनी जगह पर आराम से खड़े हुए थे। उनके बालों को यहाँ पर कुछ हवाएं इधर उधर हिला रही थी। उसके साथ में ऊपर की तरफ देखते हैं और एक क्षितिज की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे आपका इंतजार है, आखिरकार आप कब आएंगे? मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। मुझे नहीं लगता है कि मैं अब ज्यादा समय तक यहाँ पर आपका वेट कर पाऊंगा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो होल मास्टर सेक थे वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन को तो ये पता ही नहीं था कि अभी माउंटेन के ऊपर क्या चल रहा था और कौन कौन का यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। वह तो यहाँ पर अभी चिराग को ऊपर से तक देख रहा था बड़ा हैरानी के साथ में, वो थोड़ा बहुत उसको गुस्सा भी आ रहा था। ये वो बंदा था जिसको यहाँ पर अभी अभी विपिन ने ना कुछ टोकन्स को लेने के लिए भेजा था, लेकिन जब ये वापस आया ना तो इसकी हालत तो भिखारियों से भी बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। ए भगवान, आखिरकार मैंने किसको अपना बटलर बना लिया भे? ये यहाँ पर इस तरह से किससे पिट कर आ गया? मैं अगर मोहन को कहता ना तो वह बस थोड़ा बहुत फेंकू वेकू है, लेकिन उसके बाद में वह एक ही घंटे के अंदर सारी सारी जानकारी लाकर मेरे सामने रख देता है। लेकिन इसको देखो, इसको यहाँ पर मैंने समाचार इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर पिट पिटा कर आ गया था। अरे भाई, अब क्या तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद करके बंद रहोगे या फिर कुछ बताओगे भी तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? तो उसके साथ में जैसे विपिन वह शब्द पूछता है ना, तो चिराग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मालिक, मैं आपके उस इतर टोकन के लिए ना गया तो था बाहर, लेकिन मुझे ना वहाँ पर एक आंतरिक स्टूडेंट की एक नौकरानी मिल गई थी और मैं वहीं पर ही बैठ गया उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। वो तो मैं बहुत ज्यादा सच्चा वच्चा हूँ, मैंने उससे ये कह दिया कि क्या तुम मेरी यहाँ पर 10 दिनों के लिए गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर डेटिंग के ऊपर जाना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग को, आखिरकार उसने मेरी धुलाई वहाँ पर ही शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ, अबे गधे, तेरे को मैंने वहाँ पर इतर टोकन लेने के लिए भेजा था, ना कि यहाँ पर इस तरह से मर्डर गस्ती या किसी के साथ फ्लर्ट करने या अपना ही यहाँ पर कटवाने के लिए। देख तेरी हालत कैसी हो गई है। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर उनको पता होगा कि तुम यहाँ पर जोशवा के एक बटलर हो, अरे वरना यहाँ पर तुम्हें कब के हुए वहीं पर ही मार चुके होते। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने ना उसके अंदर ही है ना अपनी साफ एनर्जी डाल दी थी।
उसी के चलते वो यहाँ पर बस गया था, वरना यहाँ पर इसकी ग्रेट संत स्टेज सीरीज की ताकत है और जो आंतरिक स्टूडेंट है वो तो प्राचीन संतियों पर हुआ करते हैं, तो इसी वजह से वो यहीं पर ही बच गया था। भाई विपिन की बात सुनने के साथ में वो कहता है, मालिक मालिक इसी वजह से मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ में 10 दिन रह जाना, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम मेरे साथ में आगे भी रह सकते हो, बस मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे खासे सुख देने वाला हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे को मार दिया। आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया था, मैं इतना ज्यादा सेक्सी दिखता हूँ, इतना ज्यादा हॉट दिखता हूँ, तो कोई भी लड़की मेरे ऊपर मर सकती है, लेकिन वो तो बेवकूफ लड़की थी, आखिरकार उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है। वहां पर अभी भी है ना जो चिराग अभी भी अपनी आदतों से मजबूर नहीं आ रहा था, वो विपिन से कहता है, तो विपिन भी अपना सर पकड़ लेता है, अबे बेवकूफ मैंने तेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ करने के नहीं कहा था, आखिरकार तू ऐसा कैसे हो सकता है, वास्तव में यहाँ पर जोसो ने सही कहा था, मैंने फालतू में तुझे यहाँ पर अपना बटवर बना लिया है, किसी को पता चल गया कि यहाँ पर मेरा बटलर इतना ज्यादा खतरनाक है तो उसके साथ में मैं किसको ही अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। चल छोड़ बे, आखिरकार तेरे से यहाँ फालतू में बात बात करने से कोई भी मतलब नहीं है, मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने वो किया, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे यहाँ पर इथर टोकन चाहिए और उसके बारे में मेरे को कहाँ से पता चल सकता है, तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ हाँ मैंने इसके बारे में बिल्कुल पता किया है, वह यहाँ पर हमारे आंतरिक स्टूडेंट्स का जो बाजार है ना उसके अंदर मिलता है और उसकी जो कीमत है ना वो 20 तलवार सिक्के हैं। 20 तलवार सिक्के? विपिन यहीं पर ही अब थोड़ा सा स्तब्ध था, लेकिन अब उसको ये पता नहीं था कि 20 तलवार सिक्के का क्या मतलब रह गया था। बात कुछ ऐसी थी कि अभी तक भी उसको ये नहीं पता था कि 1 तलवार सिक्के की कीमत कितनी हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है, वह सब कुछ हटाओ, तो मुझे बताओ कि आखिरकार जो एक बुनियादी गोली है उसकी बाजार के अंदर कितनी ज्यादा तलवार सिक्के की कीमत होगी। विपिन ने उससे पूछा, क्या आपको मेरे को इसके लिए भी कहा था, क्या मुझे इसका भी पता लगाना था। तो वहीं चिराग पूरी तरह शर्मिंदगी से यहाँ पर हंसने लगता है और अपने माथे को पीटने लगता है, अबे भगवान आखिरकार तेरे को मैंने क्या कहा था, तू क्या खड़कर आ गया है। चल ठीक है, मुझे ये बता कि आखिरकार जो आंतरिक स्टूडेंट्स का जो बाजार है वह कहाँ पर है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग फिर से कहता है, हाँ इसके बारे में मेरे को पता लगाना था, मुझे नहीं पता। उसके साथ विपिन उससे पूछता है, अबे तो तुझे क्या पता है। तो उसके साथ में चिराग तो फट से बोल पड़ता है, अच्छा देखो मेरे को क्या पता है मालिक, मैंने ना जिस युवती से मिला था, जिस लड़की से मैं मिला था ना, वो वास्तव बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, 1.7 मीटर लंबी थी और उसके साथ में ही उसका जो आकार था 85-74-88 था, और आज तक मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ ना वो वास्तव में उन सभी में टॉप नंबर के ऊपर थी, उसने तो मेरा दिल जीत लिया, आगे का ऐसी लड़की कहाँ पर मिल सकती है। चिराग तो फटफट करते हुए यहाँ पर उसकी सारा बायोडाटा बता देता है, उसका फिगर उसकी हाइट उसका सब कुछ यहाँ पर वो बता चुका था।